नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय मैं आया हुआ हूँ देवा शरीफ पे, और देवा शरीफ की मज़ार है मेरे पीछे जैसा कि आप सब देख सकते हैं, और बहुत फेमस मज़ार है यहाँ पे। कौन सा चैनल है? हिमांशु प्लैनेट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे ले रहे, कर लीजिएगा, जस्ट अभी कर रहे हैं। बाकी जो लोग होते हैं बातचीत करने में अच्छे, तो वही तो हम पहचान रहे हैं। जी, पहाड़ी इलाके के लोग जो होते हैं जी हाँ, काफी। तो भैया देखो, ये उत्तराखंड के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और भैया यहाँ पे मिल गया हमें। मैंने एक ढाबे पे खाया था दाल और रोटी। अच्छा, बहुत 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 टेस्टी है ढाबे का खाना, बहुत वहाँ का बहुत फेमस है। नहीं, वहाँ पे एक दाल ऐसा मीट वगैरह चलता रहता है, चिकन मीट, और मैंने कि वहाँ पे दाल खाई, मैं कभी दाल खाता नहीं, वहाँ पे जो दाल खाई वो उसका मतलब टू टेस्टी होती है, पता है आपको? आपने कभी उस चीज़ के बारे में नोटिस किया? मक्खन वगैरह में दाल के जो मक्खन नहीं, वो जो है चूल्हे में बनाई जाती है। हाँ हाँ, चूल्हा था, उसने बताया कि चूल्हे में वगैरह चूल्हे में बनाई जाती है, चूल्हे में बनाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और चूल्हे का खाना अगर आप, मजा आ गया था, एक हफ्ते का टूर था, घूमा था, ऐसा खाना नहीं जिससे वहाँ मिल गया, पेट भर गया। वहाँ के लोग भी माशाल्लाह काफी अच्छा लगा भैया आपसे मिलके बहुत। तो दोस्तों लोग भी देखे यहाँ के काफी अच्छे हैं और काफी हेल्पफुल नेचर के हैं। तो दोस्तों अभी हम ये देखिए यहाँ पे है दरगाह, और काफी खूबसूरत है। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं समय आया हुआ हूँ देवा शरीफ पे, और देवा शरीफ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है समय, काफ़ी सारे लोग आते हैं, और बाकी अंदर जाने के लिए हमें चादर लेनी पड़ती है, चादर और फूल वगैरह लेने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो बाकी और देवा शरीफ घूमते हैं आज, तो आप लोगों को मैंने सोचा था कि देवा शरीफ घुमाएंगे, और देवा शरीफ मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं। अभी मैंने जो भैया से बात करी थी, उनको मैंने बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो भैया काफ़ी खुश हो गए थे कि मैं उत्तराखंड से सुन के, और मुझसे बोले कि यार जो उत्तराखंड के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो अपने उत्तराखंड के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन के मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देख सकते हैं गाइस कितनी सुंदर दरगाह बनाई हुई है, और कारीगरी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी जो भी अपनी मुरादें लेके यहाँ पे आता है तो उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है, और हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों आज हम भी यहाँ पे आए हैं, और हम लोग भी यहाँ पे घूमेंगे, और मेरे साथ आप लोग भी यहाँ पे घूमेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं जो यहाँ की दरगाह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उसकी जो कारीगरी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी अपनी वीडियो के ज़रिए यहाँ पे देवा शरीफ घुमाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक चीज़ और बता दूँगा इस आप लोगों को कि यहाँ पे होली और दीपावली का पर्व बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग ये पर्व मनाने के लिए, और ये पूरे इंडिया की एकमात्र ऐसी दरगाह है जहाँ पे होली और दीपावली का पर्व मनाया जाता है, तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग उस पर्व में शामिल होने के लिए और अपना योगदान देने के लिए। तो आज जाएंगे और मिलेंगे यहाँ के लोगों से, तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, तो हम तो खैर कहाँ से आए हैं आप लोगों को पता ही है, बाकी और लोग कहाँ से आए हैं पूछते हैं सबसे, ठीक है, तो थोड़ी बातचीत करते हैं लोगों से। तो बाकी देख सकते हैं दरगाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, और यहाँ के लोग देखो कितने, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, महाराज लोग बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी जाके बात करते हैं। महाराज कहाँ से हैं आप? सॉफ्ट कर, एक्चुअली मैं कहाँ से हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, सलाम भाई जान, हम लोग पिछवाड़वा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। जी जी, पिछवाड़वा कस्बा है। अच्छा, वहाँ से हम लोग आए हैं जी, और यहाँ से जुड़े हैं हाजी साहब से। अच्छा, और हम लोग अक्सर जब टाइम मिलता है तो यहीं भागे चले आते हैं। जी जी, अच्छा, बिल्कुल, और कोई ठिकाना नहीं है हम जी लोग, जी हाँ जी हाँ, बस जिंदगी का समझ लीजिए, कभी सुख दुख हर कोई भी परेशानी हुई जी हाँ, या कुछ भी कहना हुआ, कुछ भी सुनना हुआ, तो यही हाजिरी आना, सुख दुख के साथ ही है हमारे जी हाँ, सरकार वाले जी जी बिल्कुल, बस हम लोग ये ज्यारत के लिए आए जी जी। तो दो बजे खुलती है बता रहे ना? दो बजे मस्जिद का हुआ नमाज टाइम है, दो बजे के बाद फाटक खुलेगा। अच्छा, नमाज के बाद जी जी, फिर इंशाल्लाह अच्छा जाएंगे हाजिर लगाने। अच्छा, थैंक यू सो मच, ओके ओके ओके। तो दोस्तों काफी अच्छे लोग हैं, महाराज थे वहाँ पर, तो महाराज ने बताया कि वहाँ पे मैनेजर है कोई, तो मैनेजर से जाके बात करते हैं एक बार,
और परमिशन लेनी पड़ती है, बता रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो देखते हैं वीडियो बनाने के लिए कुछ परमिशन लेनी है तो परमिशन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑफिस है बता रहे हैं, तो ऑफिस में चलते हैं। तो इस साइड को है, पीछे साइड को है ऑफिस, और इधर बगल में दरगाह है, पता करते हैं चलो। तो दोस्तों बात करी परमिशन लेने के लिए, लेकिन लेने के लिए ग्रांटेड नहीं हुआ, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है बता रहे हैं। तो देखते हैं जितना हो सकेगा उतना वीडियो बनाएंगे, और बाकी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा जितना हो सके उतना कवर करें और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। भैया बैठे हैं, भैया से पूछते हैं कहाँ से आए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से? आप भी कोलकाता से हैं भैया, साथ ही में आए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आ चुके हैं? ये पहली बार पहले, आप पहली बार आए हैं, तो कैसा लगा फिर आपको यहाँ? भैया से ही बात करते हैं थोड़ी। भैया कहाँ से हैं आप? बिहार से। आप पहली बार आए हैं क्या? फर्स्ट टाइम है। चलिए बहुत अच्छा है। और आप भी आते जाते रहते हैं? कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं आप भी? अच्छा, तो इससे पहले कितने बार आ चुके हैं आप? दूसरी बार है। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सब ठीक है, भाई सुकून दरगाह ओपन हो गई है और जाने लगे हैं लोग। तो चलो दोस्तों फिर हम भी चलते हैं, और एक भैया मिले हैं यहाँ पर को, तो भैया के सभी भैया को भी अभी जाओगे ना अंदर, तो भैया के साथ ही चलेंगे अंदर को। भैया से दोस्ती हो गई अच्छी खासी हमारी, काफी अच्छे हैं भैया यार। व्यवहार बहुत अच्छे है आपका, भी व्यवहार बहुत अच्छा भैया। तो भैया से मिले हैं, भैया ने थोड़ा फोटो शोटो भी खींच दी हमारी, एक आध रील वगैरह भी बना दी, तो वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो बाकी अभी अंदर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो मैं लेके आया हूँ जैसे तैसे खास आप लोगों के लिए। दोस्तों हो गया, आ गए हम लोग दरगाह में, और बाकी अंदर शूट करने नहीं दे रहे थे, तो छोटा मोटा शूट किया मैंने, तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये चादर लेके आए हुए हैं, एक फैमिली है पूरी, तो ये चादर चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। कुछ बताइए भैया इनके बारे में, काहे के लिए हैं ये जो चादर लेकर आए हुए हैं? हाँ। ये मदार पर जाएगी, जिनकी मन्नतें होती हैं तो वही चादर लेके आते हैं कि मैं मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा। अच्छा। तो मैं मदार पर चादर चढ़ाऊंगा, इनकी मन्नत पूरा हो गई है। हाँ। इंशाल्लाह ये मदार पर अपने चादर पर। अच्छा, इनकी मन्नत पूरी हो चुकी है? इनकी मन्नत पूरी हो चुकी है। अच्छा। इंशाल्लाह वो अपने जा रहे हैं वारिस पाक के मदार पर। अच्छा। वो उनके मदार पर चादर ये चढ़ाएंगे। अच्छा। चढ़ा के और उनको दिलों को सुकून मिलेगा। पीला पीला जो कलर है वारिस पाक का। तो दोस्तों यहाँ पे कवाली हो रही है, चलो कवाली शूट करते हैं, तो कवाली दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यार कवाली भी शूट नहीं करने दे रहे थे, तो चोरी छुपे बना दी थोड़ी बहुत, देखिएगा आप लोग। तो बाकी यहाँ से निकलते हैं बाहर को, तो बाहर जाके यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ आप लोगों को, अब जो यहाँ की मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। और एक बार लास्ट बार तो जैसे बाहर निकलेंगे तो मार्केट शुरू हो जाती है, सामने पर मार्केट है और जस्ट सामने पर दरगाह है, और मार्केट यहाँ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ की मार्केट में। तो ये चादरें हैं सब, जितनी भी दिख रही हैं आप लोगों को, चादरों वाली शॉप हैं, और ये फूल हैं जो अंदर दरगाह में जाते हैं जब, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये मिठाइयाँ हैं यहाँ की, ठीक है चीज़ है भैया, क्या रेट है, क्या है ये? काले सुरमे, खुरमे, खुरमे, खुरमे।
और ये टोपियां भी हैं यहाँ पे। कितने कितने की है भैया? 25-30 अच्छा 60 दोस्तों। टोपियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, खूबसूरत खूबसूरत टोपी बोलते हैं ना। ये मिठाइयाँ यहाँ पे मसाले का की मिठाई भैया 120 रुपए किलो बेसन की। तो दोस्तों यह मार्केट है यहाँ की जो काफी खूबसूरत मार्केट है। और मार्केट से दिखती दरगाह मार्केट एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की मार्केट में देखते हैं क्या क्या है। बहुत खूबसूरत मार्केट लग रही है यहाँ की। जब कोई आता है यहाँ पे वो तो उसको रुकाया जाता है, शॉप वाले जितने हैं रुकाते हैं। कितने का भैया? 350। तो वैसे मिट्टी का बना हुआ है देखो 220 का है। इसमें आवाज़ भी आती है भैया फुड़ 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 वाली, पानी डालना पड़ता होगा। और केतली देखो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, ये मिट्टी की है। ये मंगवाते होंगे ना भैया सारे आइटम आप ही बनाते हैं? ये देखो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है भैया? मुगलाई पराठा है, शाही। बहुत हैवी है भैया, यहीं बनाते हैं क्या? देखते हैं गाइस इतना बड़ा पराठा है यार कैसे बनाते हैं, देखते हैं। देखो ऐसे बनता है मुगलाई पराठा। का बनता है मैदे का, तुमरा भी बना दें, लो लो तुमरा भी बना देते हैं। क्या कह रहे हो बताओ, कितने रुपए का दे रहे हो? कितने रुपए का दे रहे हो? हैं फ्री में? फ्री में दे रहे हो, पैसा नहीं लोगे? ऐसे तो कोई उठा के ले जा लेगा फिर हैं। छोटी छोटी बच्ची देखो बर्तन बेच रही है, ये कितने रुपए की दे रहे हो? 40 रुपए का। अरे वाह, हमें रेट पता है इसका मतलब है। और ये कितने रुपए का है? ये भी 40 रुपए का, इतना महंगा? अब हम नहीं लेंगे, तुम बहुत महंगा दे रही हो, बहुत महंगा दे रही हो तुम। हाँ भाई अंगूठी बढ़िया रखी है यार। भाई अंगूठी कैसी रखी है? घरा वरा शांत करने वाली ऐसी कुछ होती है क्या? अरे नॉर्मल सिंपल पहन लेंगे। देखो गाइस कितनी खतरनाक लग रही है, शेर वाली अंगूठी है, किसी की पंच पड़ जाएगा तो बैठ ही जाएगा अभी। ये क्या चीज़ है भैया? ये क्या चीज़ है? खाजा मीठा होता है, अच्छा है भी पूड़ी की तरह एकदम। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। दोस्तों ये था देवा शरीफ जो मैंने आप लोगों को घुमाया। तो कैसा लगा आप लोगों को देवा शरीफ घूम के बताइएगा, जरूर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ में।